गाइस आप लोग देख सकते हैं कि शिवाजी जो है वो इस पे हमेशा रियाज करते हैं, क्योंकि शिवाजी बहुत ही अच्छा अच्छा गाना भी गाते हैं। आप लोगों ने इनका गाना तो सुना ही होगा। तो आज देखिए दोनों लोग मिलके रियाज कर रहे हैं और पुट्टू को भी रियाज करवा रहे हैं। ठीक है, चलो अब गाना गाओ। सुनो, दूध पीने लगा है। दूध पिएंगे, दूध पिएंगे, अभी दूध नहीं, पहले रियाज करो। गरबाटी में दूध पिएंगे। दूध नहीं पीना, अभी रियाज करो पहले, फिर दूध पिएंगे। अरे यार उसको भूख लगी है। तो अभी बहुत देर गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले आधे घंटे से मैं और पुट्टू दोनों लोग रियाज कर रहे थे। हम लोग पूरा सारेगामा बजाइए, सरगम। तो इस पे हम, मैं और पुट्टू दोनों लोग आधे घंटे रियाज किए हैं, सारेगामा पधा निसा पूरा कंप्लीट किए हैं। और ये मेरे साथ बैठ के पूरा कंप्लीट किया है सारेगामा पूरा। तो आधे घंटे के रियाज के बाद ये थोड़ा भूखा हो गया है, इसके बाद मैं दूध नहीं पीने दिया हूँ तो भाग गया मेरे पास से। सॉरी मैं दिखा नहीं पाया हूँ रियाज, क्योंकि हम लोग थोड़ा मन से कर रहे थे और व्लॉग नहीं चालू हो पाया है। तो ठीक है, आगे से दिखाएंगे। ऐसी हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर साहब को दिखाया गया, क्योंकि पुट्टू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। बहुत सारे मेडिसिन दिया गया है डॉक्टर के थ्रू, इतना, और अभी भी लगातार खांसी आ रही है। जकड़न ज़्यादा हो गया है मुझे लगता है, ठंडी का असर। तो आप लोग अपने आप को सेफ रखिए थोड़ा ठंडी से, क्योंकि इस बार ठंडी थोड़ा लेट ज़रूर आई है पर बहुत भयानक आई है, और जो इसके लपेटे में आ रहा है वो उसको प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो जा रही है। तो अब ठंडी भी एक वायरस के तरीके से हो गई है, अगर 5 को खांसी आएगा तो 6वें को हो ही जाएगा, कितना भी बचे। तो आप लोग थोड़ा अपना ध्यान दीजिए। बाकी अब हम लोग हॉस्पिटल से घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितना उदास हो रखा है पुट्टू, बहुत ज़्यादा है, देखिए बिल्कुल एकदम खांस के थक गया है। पूरी रात इसको खांसी आई है, वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया है। और अब देखिए घर जा रहे हैं हम लोग, और नया नहीं आई है क्योंकि उसको थोड़ा काम था इसलिए वो बाहर नहीं आ पाई है। मैं भी थोड़ा मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब हो गया हूँ। तो अभी घर की तरफ चलते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। और ये हमारी गाड़ी है, अभी हम निकल रहे हैं किसी को रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन से। आप लोगों को वहाँ पहुँच के दिखाते हैं वो कौन है। तो आप लोग बने रहिए व्लॉग में। कोई तो है। उसे हम लेने जा रहे हैं। अच्छा, बहुत खास है हमारे लिए, पता ओके। है ना? तो आप सभी लोग देख सकते हैं हम लोग को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना है, और फिलहाल तो ठंडी में गर्मी हो गई है। आप सभी लोगों को व्लॉग दिखाते दिखाते सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम आ गए ऊपर। प्लेटफॉर्म नंबर 6, 7 एंड 1, 5 जो कि आगे है। और अरे यार जैकेट नहीं पहने, एकदम बहुत ठंड हो रहा है। तो जैकेट क्यों नहीं पहने हो, तुम्हें पहनना चाहिए ना जैकेट। अच्छा क्या ठीक है, तुमको नहीं दिखाएंगे हम, गुस्सा क्यों होते हो। लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया है स्टेशन, और मैं भी जय। तो गाइस हमें जिसका इंतज़ार था वो महिला पुरुष आ गई हैं, और आप लोगों को दिखा रहे हैं भाई, इनसे मिला रहे हैं, जो कि ये सफ़र करके आई हैं बहुत ही लंबा। हाँ, और कैसा लग रहा है 2 दिन तक सफ़र करके ट्रेन में? बहुत गंदा लग रहा है, बता नहीं सकते हैं। बहुत गंदा लग रहा है ना। चलिए भाई, हमें जिसका इंतज़ार था वो हमारे पास अभी आ गई हैं, और उसके बाद इनको लेकर के हम लोग गाड़ी में भरेंगे। और जी शिवाजी आप भी आ गए हैं, चलिए ठीक है, उठाइए बैग। लहंगा है भैया, लहंगा है। हाँ भैया, दिल्ली का लहंगा है, इसी को लेने के लिए लोग दूर दूर से कैसे कोई पॉइंट के चली भैया, उठाने में दिक्कत।
चलिए भाई। हाँ तो यही ट्रेन है आपकी 24 मतलब कि 11 बजे इसकी टाइमिंग है वापस रिटर्न दिल्ली जाने का, और अभी 11 बजे ये ट्रेन आ रही है। अच्छा अच्छा, मतलब 14 घंटे हुए, 14 घंटा लेट भाई ये ट्रेन है। और लेकिन जो भी है प्लेटफॉर्म अच्छा है ये वाला, है ना, साफ सुथरा लग रहा है। अच्छा, है बन गया है। बनाया गया है नहीं भैया। तो भाई ये रही बिना दी, वो ट्रॉली इसी में रख दीजिए। हाँ बाबू, ट्रॉली रख दीजिए, ताली ताली रख दीजिए बाबू। अपनी बहन से नहीं मिलेंगी आप? अपनी बहन से, अपनी दोस्त से मिल लीजिए थोड़ा। बच्चा खराब, बच्चा को अंदर ही लेकर बैठ जाइए क्योंकि तबीयत ज्यादा खराब है इसका। कैसा लगा बहन इतना जल्दी आके? बिना दिक्कत ट्रेन पूरा 15 घंटा लेट है ना? 15 घंटा नहीं, 18 घंटा लेट था। 18 घंटा चलिए चलते हैं घर के लिए।